गुड आफ्टरनून एवरीवन, कैसे हो सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग व्यस्त होंगे, मस्त होंगे, काम धंधे अपने करते होंगे और फिर यहाँ आ जाते हैं। आ जाना है, शेयर भी कर देना है, लोगों को बताना है, जताना है, समझाना है कि जो होगा यही से होगा, यही से करना होगा। गुड आफ्टरनून जी, देखो आ जाए सभी लाइव, जल्दी भाई जल्दी लाइव आ जाए सभी। कहाँ हो यार, रात दिन के एक से भी ज्यादा हो गए, सब सो रहे हैं क्या? ठीक है, आ जाए आ जाए और विजय रथ पे सवार हो जाए। देखें चल रही है ये रथ, रुकने वाली नहीं है, ये रथ चल दिया है और ये रथ तभी रुकेगा जब आप अपनी जगह पे पहुंच जाओगे। और जगह तो मालूम है ना सबको, यस, इनकम टैक्स का ऑफिस है वो जगह, तो वहां तक पहुंचना है, जिसके लिए हम लेके आए हैं, आप ही के लिए खासकर लेके आए हैं ये विजय रथ। बहुत सारे लोगों ने एनरोलमेंट करा लिया, आप लोग भी करा लो, जो लोग नहीं अभी तक कराए हैं, फ्रॉम क्या कहते हैं, फर्श से अर्श तक जाने से का ये मार्ग है, रास्ता है। हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून भाई। बहुत कम लोग दिख रहे हैं, क्या हुआ, हिंदुस्तान सो रहा है क्या? नहीं, कुछ तो हो रहा है यहाँ। चले चले आ जाए, शेयर कर दे, लाइक कर दे, बार बार बताना नहीं पड़े, समझाना नहीं पड़े, समझदार को इशारा काफी होता है। चले आ जाए, क्या करना है आज? कुछ तो जरूर करना है, नहीं करना है, कुछ तो काम करना है। चले तो आ जाए, देखे बेहतरीन, शानदार, उम्दा, यूजफुल, इफेक्टिव बैच आपके लिए ला दिया है एग्जामपुर ने, और आप इस फैमिली के हिस्सा हो, अभिन्न अंग हो, आपके बिना तो हम अधूरे हैं। हाँ सर, पेपर की तारीख क्या है? मोस्ट प्रोबेबली अभी तो तारीख डिक्लेयर नहीं की गई है, बट मोस्ट प्रोबेबली फरवरी है। नहीं, उस पर ध्यान देना कम है, आपको अपनी तैयारी पर ज्यादा ध्यान देना है। मात्र 12 लोग हैं यार, क्या बात चल रही है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है यहाँ? चले देखें, इतने सारी सुविधाएं आपको दी जा रही हैं, तो आ जाएं मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQ पर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। मार दें शेयर जल्दी से, ताकि जल्द ज्यादा से ज्यादा लोग लाभान्वित हो सके, उनको लाभ मिल सके, उनको वो अभी इस फसल को काट सके। देखो आ जाएं, निशा सागर गुड आफ्टरनून, What about you? मैं फाइन हूं, आप लोग कैसे हो? अजय, केन, शीतल, ठीक है, ऑफिशियल कल भी पेपर की तारीख बता दिया बेटा। सरिता वर्मा गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून सभी लोगों को, गुड आफ्टरनून, जय हिंद। आओ शुरू करते हैं सेशन को। दिख तो रहा है, मुझे लगा है थोड़ा छोटा सा दिख रहा है, फॉन्ट का साइज थोड़ा छोटा दिख रहा होगा, सही है ना? एक बार आप मुझे क्लियर कर दें कि मेरी आवाज और ये जो बोर्ड पे दिख रहा लिखा हुआ है, ये दिख रहा है दोनों क्या? जल्द से मुझे एक बार आप क्लियर कर दो, बहुत कम टाइम है आज हमारे पास, बहुत कम टाइम है, मात्र हमारे पास 20-25 मिनट का टाइम, 25-30 मिनट का टाइम है, 30 मिनट, उसमें हमें बहुत इफेक्टिव सेशन चला लेना है, काम कर लेना है आज। जल्द से जल्द आप लोग लाइव आ जाओ, ठीक है? आवाज आ रही है मेरी? और ये जो हमें पढ़ना है, ये दिख रहा है सब लोगों को? बता दो जल्दी से बेटा। ऑल राइट, ओके जी, चले ऑल क्लियर, वेरी गुड। चले अब आ जाए, अब मेरा डर खत्म हो गया। नेहा सेड टू मी आई एम गोइंग टू सी अ मूवी टूडे। अब देखो यहाँ पे सब्जेक्ट है नेहा और ऑब्जेक्ट है मी, यहाँ पे फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज कर देंगे, मतलब नेहा के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? ही तो आई तो होगा नहीं, ये तो पहले हो गया, तो ये नेहा के अकॉर्डिंग आई जब चेंज होगा तो शी हो जाएगा। तो नेहा सेड दैट, अब यहाँ टोल्ड का सवाल भी नहीं है, सेड ही है, तो नेहा सेड दैट शी, और आई एम टू सी, वॉज गोइंग टू सी अ मूवी टूडे का दैट डे, यहाँ पे वर हो गया, ये गलत हो गया ना, और यहाँ पे इज का वॉज होगा, ये भी रॉन्ग हो गया, तो एलिमिनेट हो गया सब के सब एलिमिनेट हो गए, बचा क्या? आंसर तो सबने दे ही दिया होगा, इतने टैलेंटेड यार सब लोग हो ही, वाह, वन नंबर यार, गुड गोइंग यू ऑल गाइस, गुड गोइंग,
गुड गोइंग, ओके जी, एंड विजिबल प्रॉपरली, ओके, थैंक यू, थैंक यू, ओके, बहुत आसान है, बहुत आसान है, जहां मुश्किल होगा मैं खुद रुकूंगा, आसान है, आंसर देते जाओ आप लोग. द कंपनी इज गिविंग अ प्रमोशन, द कंपनी इज गिविंग अ प्रमोशन टू ऑल एफिशियंट वर्कर्स. देखो अब ये हो गया ना, ऑल एफिशियंट वर्कर्स, ऑल एफिशियंट वर्कर्स, ऑल एफिशियंट वर्कर्स, तो आप यहां तो एलिमिनेट नहीं कर सकते हो, और चूंकि इज गोइंग मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, तो आर बींग होगा, विल बी ये हो गया रॉन्ग, वर्क कहां से आ जाएगा ये हो गया गलत, आर और यहाँ पे बींग होना चाहिए, तो यहाँ पे बींग मिसिंग है, तो ये भी एलिमिनेट हो गया, ये नहीं हो सकता है, ये एलिमिनेट हो गया है, ये एलिमिनेट हो गया है. आंसर, आंसर, गुड आफ्टरनून पूजा, विवेक, गुड आफ्टरनून सभी लोगों को एक बार फिर से भाई, सभी लोगों को. चले क्वेश्चन नंबर 3. हाँ, स्टडी, आज स्टडी ऑन व्हीकुलर पॉल्यूशन. तो यदि किसी प्रेपोजिशन से, एक बार फिर मैं कॉन्सेप्ट रिफ्रेश करा दूं, यदि किसी प्रेपोजिशन से दो नाउंस जुड़े हुए हैं, एन वन और एन टू, दो नाउंस हैं, और अगर आपको वर्ब सप्लाई करनी है, वर्ब प्रोवाइड करनी है, तो ये जो वर्ब होती है ये एन वन के अकॉर्डिंग होती है. एन वन यहाँ पे आपका स्टडी है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर है तो हैव हो नहीं सकता है, और यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो थर्ड फॉर्म है तो इज होगा नहीं, आर होगा नहीं, पैसिव है नहीं, तो ये हो जाएगा आई स्टडी ऑन व्हीकुलर पॉल्यूशन. आई स्टडी की बात है तो ये हैज हो गया, ये 3 नंबर हो गया. यस, ए ए होगा. हैव कैसे करोगे बेटा, हैव तो नहीं होगा ना. क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हैव नहीं, हैज, क्योंकि यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और हम इस बात को जानते हैं कि अगर हैज, हैव और हैड हो, हैड हो, तो यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म आती है, ये बात तो सही है, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा क्या है, स्टडी है, जो सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ वर्ब भी सिंगुलर देंगे ना, सिंगुलर के साथ वो भी हमारी सिंगुलर होगी, होगी कि नहीं, हैज फॉर सिंगुलर नाउन. यस, वाह निशा, वेल डन बेटा, वेल डन. बहुत कम लोग हैं आज यार, क्या हो गया आज, व्हाट हैपेंड टू ऑल ऑफ यू. क्वेश्चन नंबर 4, 4 नंबर, Identify the segment in sentence which contains grammatical error. अब ये दे देना है. The cavalcade, C-A-V-A-L-C-A-D-E, cavalcade का मतलब कारवां, C-A-R-V-A-N, कारवां. The cavalcade had scarcely covered a kilometer. अभी कारवां मुश्किल से 1 किलोमीटर गया भी नहीं था, या मुश्किल से 1 किलोमीटर गया हुआ था. ठीक है हर्षित, ओके, यू ऑल आर जीनियस यार. द कैवलकेड हैड स्कार्सली का मतलब शायद ही कवर्ड 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, अ किलोमीटर, देन. तो बहुत आसान या बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है, आप सब लोग इसको याद रखोगे, बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है बेटा, कि जब अगर हार्डली आ जाए कहीं पे, एच ए आर डी एल वाई या एस सी ए आर सी ई एल वाई, तो इनके साथ इनका जो कंप्लीमेंट आता है वो हार्डली स्कार्सली के साथ डब्ल्यू एच ई एन होता है. वही अगर यहाँ पे नो सुनर होता, नो सुनर के साथ टी एच ए एन होता है, नो सुनर के साथ देन होता है, जबकि हार्डली और स्कार्सली के साथ व्हेन होता है, व्हेन होता है. तो द कैवलकेड हैड स्कार्सली कवर्ड अ किलोमीटर, ये जो है देन नहीं, ये व्हेन होना चाहिए था. इसलिए यहां पे देखो आप, 4 नंबर में यहां हमें व्हेन करना पड़ेगा, और यही आंसर है 4 नंबर. आगे आंसर, यह अजय, वेल डन,
फिर इन प्लेस ऑफ देन वेन या निशा वेल डन एक्सीलेंट जॉब अकॉम्प्लिश बाई यू ऑल गाइज यू ऑल आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यू ऑल आर वेरी टैलेंटेड यू ऑल आर जीनियस जितना मैं बोलूं उतना कम है बस एग्जाम में रिजल्ट दे दो बाकी दुनिया तुम्हारी है जहां तुम्हारा है चलो हार्डली स्कैसली के साथ वेन का यूज करते हैं और नो सुनर के साथ देन का यूज करते हैं ये यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है और ये हर एक जामिनी को पता होना चाहिए तो ओमिट देन ओमिट हाँ देन को हटा देंगे और वहां पे वेन ला देंगे वेल डन नेक्स्ट अगला क्वेश्चन रीअरेंजमेंट है पैरा जंबल है ये तो यहां पे आपको करना क्या है कि इस दिए हुए पैराग्राफ को रीअरेंज करना है और नीचे जो चार सीक्वेंस दिए गए हैं इन चारों में से कोई एक आंसर है और जब भी आप रीअरेंजमेंट के क्वेश्चन को करेंगे एक बात का ध्यान रखेंगे पहली सेंटेंस फर्स्ट सेंटेंस जो होती है ऑलवेज एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस होती है फर्स्ट सेंटेंस कैसी सेंटेंस होती है एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस होती है इंडिपेंडेंट होने का मतलब क्या हुआ उसमें दिस दैट दीज दोज हेंस देंस दस नॉनदलेस नेवरदलेस नॉट विदस्टैंडिंग हाउएवर बट ऑन द अदर हैंड आल्सो टू एडिशनली मतलब जितने लिंक करने वाले वर्ड्स हैं एक दिन मैं लिखा दूंगा सबको जितने लिंक करने वाले वर्ड्स हैं इनका यूज फर्स्ट सेंटेंस में नहीं होना चाहिए एक क्वेश्चन था इंडियन आर्मी का सर इंग्लिश है नहीं आती कौन सी बुक्स से यार तुम आ जाओ एग्जामपुर चैनल पे आ जाओ ना कोई सी बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर बुक खरीदना है अच्छी बात है बुक रखनी चाहिए गुड आफ्टरनून अनुपम गुड आफ्टरनून बुक रखो अच्छी बात है लेकिन जब हम जिंदा हैं तो यार तुम्हें परेशान होने की जरूरत क्या है हमारे देखो चैनल पे सुबह से शाम दिन से रात क्लासेस चलते रहती हैं और बेसिक थोड़ा अगर वीक है तो आप आ जाओ हमारा अभी आज से ही स्टार्ट हुआ है विजय पथ बैच उसको ज्वाइन कर लो यार बहुत कम 599 की बैच है केवल आपकी है? क्या है सुबह से शाम तक क्लासेस मिलेगी 450 घंटे की क्लासेस मिलेगी ज्वाइन कर लो अब यहाँ पे है देखो एक नाम आया हुआ है अहिंसक हैड बीन द मोस्ट प्रॉमिसिंग डिसाइपल जितने भी शिष्य थे डिसाइपल थे उनमें से सबसे ज्यादा प्रॉमिसिंग क्या था किसका नाम था अहिंसक था तो अगर एक जो है सबसे अच्छा रहता है तो बाकियों को अन्य को उससे जलन होने लगती है चीड़ होने लगती है कहीं ना कहीं उसको वो डिमीन करना चाहते हैं उसको नीचा दिखाना चाहते हैं तो जब एक बहुत अलग है हटकर है सबसे अहिंसक हैड बीन द मोस्ट प्रोमिसिंग डिसाइपल एट तक्षशिला जो यूनिवर्सिटी थी वहां पे हुआ क्या इससे क्या हुआ उनके जो गुरु थे हिज गुरु वॉज सो इम्प्रेस्ड विद हिम इतने खुश रहते थे अहिंसक से इतने खुश रहते थे ही आस्ड अदर डिसाइपल्स कहा कि बेवकूफों मूर्खों जाहिलों गवारों अलग मतलब बाकी जो थे उनको कहा कि देखो अहिंसक कितना अच्छा है तुम भी कोशिश करो उसको एमिटेट करने की उसको एमुलेट करने की उसका अनुकरण तो एमुलेट का मतलब ही होता है किसी के नक्शे कदम पे चलना अनुकरण करना तो गुरु ने कह दिया कि अरे मूर्खों गवारों तुम भी अहिंसक की नकल करो अब क्या हुआ कि बाकी जो अन्य थे वो चिढ़ गए अरे यार इसके चलते हमें बेइज्जती झेलनी पड़ रही है हमें अपमान सहना पड़ रहा है तो दिस हाँ जी आ गया आंसर बा निशा वेल डन अच्छा ये सबका आ गया है ओके तो दिस मेड सम ऑफ देम वेरी जेलस कुछ जो थे उससे अहिंसक से बहुत ईर्ष्यालु हो गए एंड दे वांटेड टू गेट रीड ऑफ हिम और उससे निजात पाना चाहने लगे नतीजा क्या हुआ परिणाम क्या हुआ एज ए रिजल्ट दे हैच्ड ए कॉन्स्पिरेसी उन्होंने एक षड्यंत्र रचा यहाँ हैच ए कॉन्स्पिरेसी का मतलब षड्यंत्र रचना होता है अगेंस्ट हिम एंड गॉट हिम बैनिश और उसे अपनों से वहां से निकलवा दिया बैनिश करवा दिया तो पहला हमारा क्या था पहला ए तो है ही अपनी जगह पे करेक्ट है उसके बाद गुरु जी उसे बहुत खुश रहते थे बाकियों को कहा कि तुम भी उसी की तरह बनो
इन्होंने एक प्लान सोचा उसे निजात पाने का और उससे अलग। तो ये था ACBB। अरे यार आंसर तो तुम लोगों ने बहुत पहले कर दिया यार, सैल्यूट बनता है सबको, कमाल है। ACBB यह वन नंबर, वाह क्या बात है। ACBD। अगला, इसमें भी ग्रामेटिकल एरर है। शी इज द एल्डेस्ट, और ये तो सब जगह जाहिर है कि बिटवीन का जनरली हम लोग यूज करते हैं फॉर टू के लिए। दो के बीच बात करनी होगी तो बिटवीन आएगा, और दो से ज्यादा जब हो जाएंगे तो अमंग होगा, फॉर मोर देन टू। तो बस हो गया, जहां बिटवीन है वहां पे अमंग का यूज कर दो, यहाँ पे AMONG। आंसर यही है, एक नंबर आंसर तो पहले ही सबका आ गया होगा। यस ओके अनुपम, वैके यू आर वेरी वेलकम बेटा, आ जाओ। जितनी दिक्कतें होंगी सबको दूर कर दिया जाएगा, एक भी दिक्कत आड़े नहीं आनी चाहिए आपके और आपके ज्वाइनिंग के बीच रास्ते में। तो ये तो सबको मालूम है ना कि दो के बीच के लिए बिटवीन का यूज करते हैं, और जब दो से जैसे ही ज्यादा हो जाए तो वहां अमंग का यूज कर देते हैं। जैसे आज के माता पिता के लिए बहुत आसान है किसी चीज को देना, मंगाना, खरीदना, दो बच्चों के बीच में बांटना, दो ही बच्चे अधिकतर होते हैं, पहले कहीं कहीं तो दो दो दर्जन मिल जाते थे ना किसी किसी मोहल्ले में, गांव में देखो तो 12 भाई हैं एक बहन है, या 11 भाई 13 बहन कुल मिला के हो गए 20 22 25। लेकिन आज बहुत आसान है, तो दो के लिए बिटवीन और दो से ज्यादा के लिए अमंग, इसमें कोई नई बात नहीं है, कुछ भी नया है। द डोर बेल इंटरप्टेड चेन ऑफ थॉट्स, देखो यहाँ पे क्या है, चेन है नाउन, और नाउन है तो यहाँ पे आपको देना होगा पोजेसिव एडजेक्टिव देना होगा, और ये माइन नहीं है, माइन प्रोनाउन है, पोजेसिव प्रोनाउन है, मी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्टिव केस है तो ये भी नहीं होगा, और अस ये भी ऑब्जेक्ट है तो ये भी नहीं होगा, ये हो जाएगा माई, ये है पोजेसिव प्रोनाउन, माई है पोजेसिव प्रोनाउन, यही है पोजेसिव प्रोनाउन, तो यही होगा आंसर, एक नंबर। माई यहां फिल कर देता हूं, फिल भी कर दिया। चले हाँ, मामा की 8 बेटे हैं, हाँ होता था ऐसा होता था, ठीक है वो नॉर्मल था, नहीं 8 8 10 10 12 12 15 15 बच्चे होते थे, हो जाते थे, और फिर भी महिलाएं बहुत मजबूत रहती थी, और आज देखो कितने इंसान कमजोर हो गया है, कितना एक दो बच्चे हुए कि एकदम कमर की बीमारी पकड़ लेती है महिलाओं को। नेक्स्ट सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट, अच्छा ये है सेंटेंस करेक्शन, या जिसको कहा जाता है सेंटेंस इंप्रूवमेंट भी कहा जाता है, और नो सुनर डिड, अरे बहुत आसान कॉन्सेप्ट है ये, देखो मैं लिख देता हूं कि नो सुनर जैसे ही देखो इसके बाद या तो डिड होगा या तो हैड होगा, और डिड होगा तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब की पहली फॉर्म होगी, और हैड होगा तो यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, फिर दोनों के ही बाद आपको सब्जेक्ट के बाद V2 सेकेंड फॉर्म मतलब सिंपल पास्ट का यूज कर देना है। तो नो सुनर डिड शी स्टार्ट, सही है। अच्छा अभी हमने पढ़ा था कि नो सुनर का कंप्लीमेंट होता है ये देन होता है, जो यहाँ दिया भी है देन, और ये सब्जेक्ट है, और ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म भी दिया हुआ है, ये भी वर्ब की सेकेंड फॉर्म दिया हुआ है, यानी कि इसमें तो इंप्रूवमेंट की कोई गुंजाइश ही नहीं है ना। अच्छा बिल्कुल, अरे देखो याद दिला दिया, अच्छी बात, अच्छा अच्छी बात ये है याद दिला दिया। देखो नो सूनर डिड शी स्टार्ट रनिंग, अभी उसने दौड़ना शुरू भी नहीं किया था कि वह उसको ठेस लग गया, ट्रिप कर गई एंड फेल गिर गई, तो यहां पे हो जाता है नो सुनर, और इसके साथ आप देन यूज करते हो, नो सुनर के साथ यहां पे देन, और इसके बाद या तो डिड यूज करोगे या तो हैड यूज करोगे,
जब डिड होगा तो सब्जेक्ट होगा, वर्ब की पहली फॉर्म होगी, और जब हैड होगा तो सब्जेक्ट होगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, ये थर्ड फॉर्म है। उसके बाद यहाँ पे देन के बाद होता है सब्जेक्ट की, सब्जेक्ट और वर्ब की सेकेंड फॉर्म, ठीक है, एकदम आसान चीज है। तो यहाँ पे हमें क्या करना था, यहाँ पे हमें देना है नो इम्प्रूवमेंट। आंसर आया सबका? हाँ जी, नो एरर, वाह निशा, वेल डन, नो इम्प्रूवमेंट, नो एरर, नो सब्स्टिट्यूशन, क्लियर है सब लोगों को? एक क्वेश्चन और दे दूं क्या इस पर मैं, ले लो, नो सुनर हैड वी, नो सुनर हैड वी थिंक ऑफ चेंजिंग द सिचुएशन देन इट बिकेम क्लियर फॉर अस, इट बिकेम ऑब्वियस या क्लियर फॉर अस। देखो अब इसको मैं एबीसीडी कर देता हूं, ये आपका नो एरर का ऑप्शन हो गया, एबीसीडी कर लेते हैं। नो सुनर हैड, यहां तक ए हो गया, वी थिंक ऑफ चेंजिंग द सिचुएशन, ये बी हो गया, देन इट बिकेम क्लियर फॉर अस, ये सी हो गया, और ये डी हो गया। आंसर मिल गया होगा अब तक? टॉपिक, हाँ जी टॉपिक वाइज चलेगा वहां ना, आज जो क्लास स्टार्ट हो रही है मेरी 2 बजे क्लास उसमें है, तो वहां तो टॉपिक वाइज ही करेंगे, बिल्कुल एकदम एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। जाता है, खाता है, आता है, सोता है, गाता है, नाचता है, झूम, इस तरह से स्टार्ट करना है, झूम जाना है। अवनीश कुमार का गाना यस, बट निशा सर के ऊपर से निकलता है, क्यों ऐसा हो गया भाई? सर मेरी कोचिंग बंद हो गई है और मेरे दोस्त सारे एग्जामपुर ज्वाइन करेंगे। अच्छी बात है, सही है, सब लोग आ जाओ, सबका स्वागत है। देखो क्वेश्चन था नो सुनर हैड, नो सुनर हैड वी, अब देखो यहाँ पे अभी मैंने स्ट्रक्चर लिखा था कि नो सुनर के साथ आप 2 चीजें कर सकते हो। नो सुनर ले लिया आपने, इसके बाद या तो आप डिड कर सकते हो, देखो बेटा इसके बाद या तो डिड कर सकते हो या हैड कर सकते हो। तो डिड होगा तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब की पहली फॉर्म होगी, और हैड होगा तो यहाँ सब्जेक्ट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, फिर दोनों के बाद आपको देन देना है, और इसके बाद सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म देनी है, सेकेंड फॉर्म देनी है, ठीक है। आंसर आ गया सबका? गुड आफ्टरनून डॉक्टर कूल, यार काफी लेट हो गए। जेम्स बॉन्ड आंसर, रिप्लेस थॉट, हाँ जी देखो तो जेम्स बॉन्ड का सही आंसर है। हाँ जी नेगेटिव थॉट नहीं रखनी है, जब भी नेगेटिव रखोगे नेगेटिव होगा, ऑलवेज थिंक पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव सोचना है। तो यहां पे बेटा देखो हेड आ गया है, और हेड आ गया तो यहां हमें क्या करना पड़ेगा, थिंक को टी एच ओ यू जी एस टी थॉट में चेंज कर देना होगा, बस इतनी सी बात थी, बस इतनी सी ही बात थी, और क्या हो गया काम, और हो गया काम। आगे देखेंगे क्या करना है, अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन, ये आपका एक मुहावरा है, इस मुहावरे का मीनिंग ढूंढ लेना है इन ऑप्शंस में से। He ignores everyone in the office. वह ऑफिस में हर किसी को इग्नोर करता है, ध्यान नहीं देता है, कोई उससे मिलने आ रहा होता है तो वो दूसरी ओर चला जाता है या कहीं और देखने लगता है। He ignores everyone in the office. ऑफिस में हर किसी को इग्नोर करता है, ओवरलुक करता है, एंड बिहेव्स और ऐसे बर्ताव करता है ए स्टफ्ड शर्ट, जैसे उसने कोई स्टफ्ड शर्ट पहन ली हो, उसके अंदर तो कुछ है नहीं, खाली है, लगता है कि शर्ट में कुछ भर के पहन लिया है, मतलब उसके अंदर कुछ है नहीं, ईगो भरा हुआ है, ईगो भरा हुआ है, तो
तो जिसके अंदर ईगो भरा हुआ होगा वो विनित कैसे होगा, वो हम्बल विनम्र कैसे होगा, उसका मोटापे से, ओबीस का मतलब मोटा होता है, ओबीस का मतलब मोटा से मतलब क्या होगा, स्टूबर्न। अब रहा दो ऑप्शन, पॉम्पस है और स्टूबर्न है। स्टूबर्न का मतलब क्या होगा, रिजिड है, कोई काम करने पे एकदम डट गया है तो डट गया है। स्टूबर्न का मतलब जिद्दी होता है ना, जिद्दी है, इसको कहा जाता है RIGID, रिजिड कहा जाता है, या वे वर्ड कहा जाता है, जिद्दी कहा जाता है। तो वह जिद्दी नहीं है, वह दिखावा करता है, वह जितना है नहीं उससे कहीं ज्यादा वो सोचता है अपने बारे में। तो क्या डी कर दें? नहीं नहीं, डी नहीं होना चाहिए बेटा, आप लोग थोड़ा सा समझो इसको, डी नहीं, ये होना चाहिए दिखावटी। पॉम्पस का मतलब क्या होता है, शोवी, SHOWY, शोवी, SHOWY, दिखावटी। उसने एक स्टफ्ड शर्ट पहन रखी हो, मतलब दिखावा कर रहा है, दिखावा। हाँ जी तरुण, यस तरुण, राइट। स्टूबॉर्न पर्सन का मतलब जिद्दी होता है ना, तो जिद्दी नहीं। ऑफिस में वह सबको इग्नोर करता है और वह ऐसा सोचता है कि वह बहुत बड़ा ऑफिसर है, बहुत बड़ा आदमी है, तो बड़ा आदमी है नहीं, वह सोचता है, मतलब वो दिखावा करता है ना। कोशिश तो है कि इस तरह की आपकी एक PYQ की क्लास डेली हो, मैं डिसाइड कर रहा हूं, अभी तो चल रही है, आगे भी उम्मीद है कि चलेगी, ये चलनी चाहिए, फिर मैं आप लोगों को इन्फॉर्म करा दूंगा। मोटा था ये, तो ये चलनी चाहिए PYQ की। और जो ऑर्गेनाइज्ड क्लास है वो हमारी क्लास आज से स्टार्ट हो रही है एप्लीकेशन पे, बस 599 में वो स्टार्ट हो रही है, जल्द से जल्द सभी लोग उसमें आ जाओ, सबको मैं देख रहा हूं वहां पे। क्वेश्चन नंबर 10, अब यहाँ पे क्या है, एक्टिव है, इसको पैसिव में चेंज करना है, सेलेक्ट द करेक्ट एक्टिव फॉर्म। अच्छा ये नहीं, पैसिव में दिया हुआ है और एक्टिव वाला हमें सेलेक्ट करना है। पैसिव में दिया हुआ है आई वॉज लाफ्ड, तो देखो अगर पैसिव कहीं पे भी, अगर पैसिव में वॉज और वर और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यानी कि ये टेंस कौन सा है, ये टेंस है सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस का जो एक्टिव होगा, अगर पैसिव ये है तो एक्टिव होगा सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म, सब्जेक्ट की बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म हमें देखनी है, तो ये कहां से आएगा, क्या है, आई वॉज लाफ्ड एट, तो ये नहीं आ सकता है माई फ्रेंड्स, ये वर्ब की पहली फॉर्म है, आ नहीं सकता है। माई फ्रेंड्स वर लाफिंग, ये वर कहां से आ गया, तो सब तो एलिमिनेट हो गए, गए काम से, बस आप ही बच गए हो। माई फ्रेंड्स ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म हो गई, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म, यानी कि फोर्थ नंबर इज द करेक्ट आंसर। फोर्थ नंबर इज द करेक्ट आंसर, सिंपल पास्ट शुड बी द आंसर। आज क्या बात है, क्या बात है, वॉल आर जीनियस, वॉल आर टैलेंटेड। इस बार अगर जॉब में नहीं हुआ, इतनी वैकेंसी जा रही है कि गाय भैंस घोड़े गधों का भी होगा, अगर यार तुम लोगों का नहीं होगा तो फिर कुटाई होगी, ठीक है, इसलिए एक एक मिनट का यूज करो। देखो उन्हीं का रिजल्ट होता है, वही सफल होते हैं जो छोटे छोटे टाइम जिनके पास होता है उसको यूज करते हैं। बड़े टाइम आप सोचोगे कि अरे 18 घंटा पढ़ेंगे, ये पॉसिबल नहीं होता है, वो आइडियल सिचुएशन होती है, हमें प्रैक्टिकल रहना यार। तो आपको 10 मिनट का टाइम है, 10 मिनट में पिछली पढ़ी हुई बातों को रिवाइज कर लो, वही रिजल्ट देगा। कल भी कहा था कि बहुत हम सोचते हैं कि 50 चीजें पढ़ लें, 50 तरह की चीजें पढ़ लें, वो कभी हम सफल नहीं होंगे। एक चीज को 50 बार पढ़ो, ब्रूसली की तरह सोचो। ब्रूसली का कहना था ना, जो जूडो कराटे जानते थे, कि उनको ऐसे बॉक्सर से या ऐसे कंपटीटर से डर लगता है जिसने एक किक की प्रैक्टिस 20,000 बार की हो। 20,000 किक की प्रैक्टिस एक बार करने वाले से डर नहीं लगता था, समझ में नहीं है, बहुत आसान है। देखो अनुपम तुम पढ़ोगे अभी फंडामेंटल तो बिल्कुल आसान में आने लगेगा बेटा। ये वॉइस का कॉन्सेप्ट है कि ये देखो, ये जो था ना, ये था वॉज लाफ्ड। तो यहां मैंने बताया आपको कि अगर वॉज वर के बाद वर्ब थर्ड हो पैसिव में, तो इसका एक्टिव क्या होगा, सब्जेक्ट, और वर्ब की सेकेंड फॉर्म होगी,
जो यहाँ पे वर आ गया गलत हो गया, यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म आ गया गलत हो गया, यहाँ पे आर आ गया गलत हो गया, और यहाँ पे केवल सेकेंड फॉर्म है तो ये सही है। और आपकी क्लास आज यही से स्टार्ट होगी अनुपम, तो घबराने की जरूरत नहीं है बेटा, आज हम लोग टेंस उसके बाद वॉइस से स्टार्ट करेंगे। 6 बजे वाली थोड़ी सी सोचता हूं, देखता हूं टाइम थोड़ा सा, बहुत सारी नई नई बैचेज आई है विकास, तो इसमें टाइम एडजस्ट करना पड़ गया है, तो बेटा क्लास तो होगी लेकिन थोड़ी सी भी एडजस्टमेंट चल रही है, तो आप लोग थोड़ी से उस चीज को टॉलरेट करोगे, थोड़ा सा बर्दाश्त करना है। चलो टाइम आज तो हमारा क्लास सेशन लेट हो गया था, कोई बात नहीं, आज एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। 11 नंबर, सिलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट फॉर्म देना है ऑफ द गिवन सेंटेंस, इनडायरेक्ट स्पीच देना है, नरेशन देना है, डायरेक्ट में दिया हुआ है यू सेड, देखो यहां जब पास्ट हो गया तो पास्ट विल का पास्ट क्या होगा, वुड होगा, यानी कि आगे अब जहां भी आएगा वो वुड वाला आएगा, विल वाला गलत हो गया, देखो ये यहाँ विल है ये भी गलत हो गया, अब रह गया ये वुड और रह गया ये वुड। तो जहां अगर क्वेश्चन होता है, जिनको थोड़ी बहुत नॉलेज होगी उनको मालूम होगा कि जहां यस नो क्वेश्चन होता है, इज एम आर होता है, वॉज वर होता है, नहीं विल या कोई वर्ब से स्टार्ट होता है यहाँ, तो यहाँ पे इफ या वेदर का यूज करते हैं जब हम लोग इसको इनडायरेक्ट में ले जाते हैं, तो इफ या वेदर आ जाता है। तो अब इफ या वेदर आएगा तो दैट नहीं आएगा, और दैट नहीं आएगा तो बन गया, 2 एलिमिनेट हो गया, 3 एलिमिनेट हो गया, बचा क्या, यू आस्ट मी, यू सेड टू मी, तो यू आस्ट मी यहाँ पे यू हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग इफ आई वुड विल का वुड हो गया, तो ये हो गया 4 नंबर, ये हो गया 4 नंबर। रोहित काफी लेट हो फिर भी वेलकम है बेटा, चलो 4 नंबर। मुगेंद्र 1 नंबर नहीं होगा बेटा, 1 नंबर होगा तो गलत हो जाएंगे हम, 1 नंबर नहीं होगा बेटा, 4 नंबर होगा। कैसे हुआ, क्योंकि अब यहाँ पे देखो अगर इफ आ गया तो अब दूसरा कंजंक्शन दैट नहीं आएगा, क्योंकि जो क्वेश्चन वाले सेंटेंस होते हैं यस नो क्वेश्चन एग्री वर्ब वाले, वहां पे हम लोग कॉमा के बदले में, इन्वर्टेड कॉमास के बदले में इफ का यूज करते हैं या वेदर का, और जब इफ या वेदर आ गया तो दैट नहीं आएगा, इफ या वेदर इसके साथ अगर आप दैट दे दोगे तो ये ही हो जाता है महापाप, ये दैट नहीं आएगा, इसी में से कोई एक आएगा। गॉट इट, इज इट क्लियर, खुश रहो बेटा खुश रहो सब लोग, मैंने स्टार्ट विद, हाँ वाह क्या बात है, मैंने स्टार्ट विद एक्जरी वर्ब, मैंने स्टार्ट विद क्वेश्चन, हाँ यस नो क्वेश्चन वाले, वहां पे हम लोग इफ या वेदर का यूज करते हैं। चलो 1 मोर क्वेश्चन ले लेते हैं, आज तो बहुत कम क्वेश्चन हुए। What medicine have you given me? और इसको हमें चेंज करना है पैसिव में, पैसिव में चेंज करना है, और ये हैव है पहले से, तो इसमें तो बीन हो जाना चाहिए, बीन आ जाएगा अपने आप फॉर्मूला से स्ट्रक्चर से, तो अब बीन वाला देखेंगे तो यहां नहीं है, 1 नंबर तो काम से गया, बीइंग आ गया ये भी काम से गया, हटा दो, हैव आई बीन गिवन, यहाँ बीन है और हैव है यहाँ पे, तो यहाँ पे वॉज आ गया ये भी गया, तो बहुत आसान सारी चीजें हैं, जिनका बेसिक थोड़ा कमजोर है वो आज से ज्वाइन कर लें हमारी एप्लीकेशन की बैच, हम बेसिक को हम ठीक कर देंगे, फिर इन सारी प्रॉब्लम्स में तो ऐसे कर लोगे यार छू मंतर हो जाएगा सबके लिए। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, 3 नंबर हो जाएगा, 3 नंबर हो जाएगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, या सी, बहुत आसान सारी चीजें हैं। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं आज के लिए बेटा, फिर अगली क्लास है मेरी। क्या है, आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन्स एरर, देना है यू हैव रिटन दिस पोयम योरसेल्फ। देखो अब यहाँ पे क्वेश्चन टैग बनाना है ना, तो क्वेश्चन टैग बनाने के लिए ये जो एग्जरी है इसको उठाओ और यहाँ पे रख दो हैव, और ये सेंटेंस पॉजिटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव बना दो, अगर ये नेगेटिव रहती तो ये पॉजिटिव बनाता बनता, तो हैवंट यू होना चाहिए, इज इट नहीं होगा, यू हैव रिटन दिस पोएम योरसेल्फ, तो यह क्या करेंगे इसी एग्जरी को लेंगे जो यहाँ पे एग्जरी है, और यहाँ पे पॉजिटिव है आपने लिखा है तो क्या नहीं, तो आप इसमें शॉर्ट फॉर्म में हैवंट, और यहाँ जो आपका ऑब्जेक्ट हैवंट यू कर दो, ये आंसर होना चाहिए था, तो ये बहुत आसान है, ये 4 नंबर जो है गलत हो गया, यही आंसर होगा, हो गया सबका ना, डी यस,
यस क्रिस्टल क्लियर ऑल. ओके गाइस थैंक यू सो मच. फिर मिलेंगे हम कल. देखता हूँ कल भी सेशन रखेंगे इस टाइम, लेकिन थोड़ा मैं चाहता हूँ कि इवनिंग में हो जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा. सबके पास टाइम भी होता है, लेकिन कल ये सेशन रहेगा, आप लोग आ जाएंगे. आज हमारा 15 मिनट डिले हो गया था, कल बिल्कुल टाइम से रहेंगे और हम 50 मिनट का सेशन कल लेंगे. और कल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करेंगे, कॉन्सेप्ट को जानेंगे, इसमें बहुत सारे वर्ड्स भी कल आएंगे, वोकैबुलरी पर भी बात होगी. तो थैंक यू गाइज, थैंक यू ऑल फॉर बीइंग विद अस एंड मेकिंग दिस सेशन रियली रियली ग्रैंड एंड इफेक्टिव. थैंक यू ऑल.